Hey friends, welcome to Success Care 24. Okay, how are you guys? I hope you guys are doing well. And जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी के मैप का सीरीज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो भी लोकेशंस है हम उसको लोकेट कर रहे हैं. तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है कि हमारे वर्ल्ड मैप से कौन से कंट्रीज के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड इक्वेटर पास होते हैं, जो बहुत ही एक कॉमन टॉपिक है. बट स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं एंड वहाँ पे से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ देते हैं. अगर आपने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया है पूरे वर्ल्ड मैप का, तो आप उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं वेरी इजीली. सो गाइस, जैसे कि वी ऑल नो दैट अवर ग्लोब पे क्या होता है, तीन इमेजिनरी लाइन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द थ्री इमेजिनरी लाइन्स दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड इक्वेटर. सो वी विल लोकेट कि हमारे पूरे ग्लोब को अगर आप लोग देखोगे, तो पूरे ग्लोब को कैसे ऐसे लॉन्गिट्यूड्स और ऐसे लैटिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है, ताकि हम लोग कंट्रीज़ को लोकेट कर सके और प्लेसेस को लोकेट कर सके. ठीक है, सो बीच वाला जो होता है वो इक्वेटर होता है, जो 0 डिग्री में होता है. और 23.5 में क्या होता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है. एंड 0 डिग्री में क्या होता है, हमारा इक्वेटर होता है. एंड 23.5 जो है साउथ में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. राइट, सो दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज योर इक्वेटर एंड दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. हम वही देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से कंट्री से पास होता है, उसके बाद में आपका इक्वेटर कौन सा कंट्री से पास होता है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कौन से कंट्री से पास होता है. सो लेट्स स्टार्ट द मैपिंग सीरीज गाइस. लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टॉपिक ऑफ कैंसर. कैंसर कौन से कंट्री से पास होता है, ये हम लोग साथ में लोकेट करेंगे. सी, कॉन्टिनेंट वाइज लोकेट करेंगे, यू वॉन्ट बी गेट कन्फ्यूज. अगर हम लोग कॉन्टिनेंट वाइज में लोकेट करेंगे पूरे वर्ल्ड मैप में, तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू गाइज टू रिकॉल. ठीक है, जब आप मैप देखोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा. ओके, तो लेट्स लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फर्स्ट कॉन्टिनेंट. ओके, सी दिस इज योर टॉपिक ऑफ कैंसर. मैंने बोला ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएगा. ठीक है, सो दिस इज योर 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएगा. दिस इज योर अमेरिकन कॉन्टिनेंट, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज योर साउथ अमेरिका. ऑफकोर्स यू गाइज नोज दिस वेल. ओके, सो अभी देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में कौन सा कंट्री से ज़्यादा है. नॉर्थ अमेरिका में ईजी है टॉपिक ऑफ कैंसर को याद रखना, बिकॉज दो ही ऐसे कंट्री है जहाँ से पास होता है. दिस इज योर मैक्सिको एंड दिस इज योर बहामा. सो मैक्सिको एंड बहामा से दो कंट्रीज से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. ठीक है, अभी आ जाते हैं हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 7 कंट्रीज है जहाँ भी से आपका टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. बट वी विल सी हाउ दिस टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू दिस अफ्रीकन कंट्रीज. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, दिस इज योर वेस्टर्न सहारा. ओके, दिस इज योर वेस्टर्न सहारा कंट्री. देन नेक्स्ट वन इज योर मॉरिशियानिया. देन नेक्स्ट वन इज योर अल्जीरिया. दिस इज योर लीबिया. दिस इज योर इजिप्ट. दिस इज योर नाइजेर. दिस इज योर माली. सो टोटल मैंने कितना कंट्री बोला है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड दिस इज योर 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो वेस्टर्न सहारा, देन योर अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजेर, माली एंड मॉरिशानिया और मॉरिटानिया, ये सारे ही अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ में से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. राइट, सो अभी तक हमने क्या क्या देखा, नॉर्थ अमेरिका में यूएसए के पास में से मैक्सिको एंड बहामास से पास होता है. और यहाँ पे अगर आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखा, तो 7 कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. दिस कंट्रीज आर योर वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजीरिया, माली एंड मॉरिशानिया. ये आपका 7 कंट्रीज है जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से पास होता है. राइट, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, ये अरेबियन वाला कॉन्टिनेंट पे आ जाते हैं. वहाँ पे भी 3 ऐसे कंट्री है जहाँ पे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. बहुत ईजी है, आपको याद हो जाएगा. सी, दिस इज योर सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया से पास हो रहा है, उसके बाद ये यूएई है और ये ओमान है. 1, 2, 3, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है. 3 कंट्रीज इन द अरेबियन पेनिनसुला. अभी आ जाते हैं इंडिया में. सो गाइज, आई होप यू रिमेंबर लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. ठीक है, इंडिया के कितने स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, इसका आंसर आप लोगों को देना है. मैंने जस्ट बोल दिया है कि हमारे इंडिया से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास होता है. राइट, उसके बाद में इंडिया के बाद में ये क्या है, वॉट इज़ दिस कंट्री गाइज, दिस इज़ योर बांग्लादेश, जहाँ में से हम लोगों का क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इलीगल माइग्रेंट्स का इशू होता है. राइट, वी ऑल नो ऑफ्टन वी सी इज दिस थिंग इज न्यूज़ के इलीगल माइग्रेंट्स का इशू हो रहा है हमारे इंडिया में. अभी हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल भी लेकर आया है, 28
19 का, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था. वो एक अलग बात होगी, बट अभी हम लोग फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है. इंडिया में मैंने बोला था उस दिन 8 स्टेट, उसका कमेंट सेक्शन में आपने आंसर देना है कितना, कौन सा स्टेट है. बांग्लादेश उसके बाद में, इंडिया के बाद में बांग्लादेश से पास होता है. दिस इज़ योर बांग्लादेश, दिस इज़ योर म्यांमार गाइस, दिस इज़ योर चाइना गाइस, दिस इज़ योर, यहाँ पे से आपका म्यांमार चाइना, उसके बाद देखिए ये ताइवान है. गाइस ताइवान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है. ताइवान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है और उसके बाद में ये जो है खत्म होता है. इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग देखेंगे कि टॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से पास होते हैं. एक बार हम लोग दोबारा से देखते हैं, यहाँ पे दो कंट्रीज है, राइट. ये तो आर्चिपेलेगो है, आर्चिपेलेगो का मतलब होता है अ रेंज ऑफ आइलैंड्स. बहामास इज एन आर्चिपेलेगो, दिस इज अ रेंज ऑफ आइलैंड. और आप लोगों को बताना है वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्चिपेलेगो कहाँ पे है, राइट. सो दिस इज वन, दिस इज टू, मैक्सिको एंड बहामास, राइट. देन योर वेस्टर्न सहारा, यहाँ पे आपको मैंने 7 कंट्रीज बोला है. दिस इज योर एल्जी, वेस्टर्न सहारा से आता है, वेस्टर्न सहारा, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, नाइजीर, माली एंड मॉरिशानिया. 7 + 2 इज योर 9, राइट. फिर यहाँ पे तीन आते हैं, तीन कंट्रीज आते हैं यहाँ पे, सऊदी अरेबिया, ओमान एंड यूएई. 9, 10, 11, 12, देन इंडिया इज 13, बांग्लादेश 14, म्यांमार 15, चाइना 16 एंड ताइवान इज योर 17. इसका मतलब है कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट पासिस थ्रू 17 कंट्रीज, गाइस इट पासिस थ्रू 17 कंट्रीज. ओके, आई होप कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी आप लोगों का क्लियर हो गया कि कौन सा कंट्री से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, राइट. 23.5 डिग्री नॉर्थ पे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बैठता है. उसके बाद में नाउ अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे हमारा इक्वेटर, इक्वेटर जो 0 डिग्री में पड़ता है, राइट. वी विल सी के इक्वेटर कौन से कंट्री से पास होता है. ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम हाउ मेनी कंट्रीज द इक्वेटर पासिस थ्रू. सो आई टोल्ड यू कि इक्वेटर कहाँ पे होता है, आपका 0 डिग्री पे. ओके, 0 डिग्री लैटिट्यूड पे आपका इक्वेटर होता है और वो कहाँ कहाँ से पास होता है. लेट्स स्टार्ट विथ आवर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. ओके, दिस इज योर नॉर्थ अमेरिका, दिस इज योर साउथ अमेरिका. आपको ये भी देखना है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो आपका साउथ अमेरिका से पास नहीं होता है, राइट. नाउ वी विल सी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, वी विल सी इक्वेटर नाउ कि ये कौन से कंट्री से पास होते हैं. सी गाइस, दिस इज योर इक्वेटर, दिस इज योर कोलंबिया, दिस इज योर गुयाना. ओके, सो इक्वेटर, कोलंबिया, गुयाना, दिस इज 3 कंट्रीज ऑफ योर साउथ अमेरिका, राइट. दिस इज द 3 कंट्रीज ऑफ योर साउथ अमेरिका. अभी हम लोग आ जाते हैं इधर को, अभी हम लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, राइट. सो सी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये गेबोन से पास होता है. एक कंट्री में लास्ट बोलूँगी आप लोगों को, एक छोटा सा यहाँ पे कंट्री है, देखो देखो साउथ टोमे, साउथ टोमे एक छोटा सा कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे एक पास होता है, फिर गेबोन पास होता है, फिर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, देन योर केनिया. ओके, सो युगांडा, केनिया, दिस आर सम ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस थ्रू. ओके, नाउ लेट्स कम टू योर दिस कंट्री. ओके, वन मोर इज देयर, सोमालिया इज देयर. सी केनिया, सोमालिया, ओके, दिस आर सम ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच द इक्वेटर पासिस थ्रू, राइट. नाउ लेट्स कम टू हियर, हियर आप देखोगे यहाँ पे सी दिस, दिस इज़ द एरिया ऑफ मालदीव्स. सो गाइज डू नॉट फॉरगेट टू मार्क दिस कंट्री, मालदीव्स. मालदीव्स के थ्रू भी हमारा इक्वेटर पास होता है, राइट. एंड उसके बाद में अभी हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा इंडोनेशिया. इंडोनेशिया के इधर आओगे ना, आपको यहाँ पे मिलेगा किरीबाती आइलैंड, जो इधर में नहीं होता है लोकेट, इधर में आप लोकेट कर सकते हो. सी दिस इज किरीबाती, स्मॉल स्मॉल आइलैंड ग्रुप्स है ये. किरीबाती बहुत छोटा सा आइलैंड है, बट येस उसके थ्रू भी आपका जो है इक्वेटर जो है वो पास होता है, राइट. सो किरीबाती, देन योर किरीबाती, देन अदर कंट्रीज. आई टोल्ड यू के इक्वेटर में कौन सा कंट्री है. लेट्स सी अगेन के कौन सा कंट्री है, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा गाइस. ओके, सो दिस इज योर 0 डिग्री पे क्या है, इक्वेटर है साउथ अमेरिका में. मैंने क्या बोला, इक्वेटर कहाँ कहाँ से पास होता है, इक्वेटर, इक्वेटर, इक्वेटर. ओके, यू कैन जस्ट रिमेंबर लाइक दिस, कोलंबिया, देन योर गुयाना, ओके, सॉरी दिस इज योर ब्राजील, देन गुयाना, ओके, दिस आर द कंट्रीज. देन लेट्स सी हियर, देन साउथ ऑने, देन
your Congo, Democratic Republic of Congo, then your Kenya, then your Uganda, Somalia, right? इधर में आते हैं मालदीव्स है यहाँ पे, देन इधर में आते हैं इंडोनेशिया है. इधर में आने से यहाँ पे आपको किरीबाती नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा. दिस इज योर किरीबाती आइलैंड्स, ओके. वहाँ से पास होते हैं, दिस इज योर ब्राज़ील, ओके. ब्राज़ील यहाँ पे. सो ओके, नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर कैप्रिकॉन. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो कहाँ पे होता है आपका, 23.5 साउथ पे होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है. 23.5 में आपका क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. लेट्स सी कि वहाँ से. अच्छा देखो, सी वन थिंग व्हाट यू नीड टू नो नाउ, कि साउथ अमेरिका में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर दोनों ही पास हुआ, ठीक है. अफ्रीका में देखो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड अभी कैप्रिकॉन भी पास होगा. इसका मतलब साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में से तीनों ही लैटिट्यूड पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट. यहाँ पे फिर आओगे ना ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से क्या होता है पास, यू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, राइट. और इंडिया से तो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही पास होता है, राइट. ओके, नाउ वी विल सी के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कौन से कंट्री से पास होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इन साउथ अमेरिका के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कहाँ से पास होते हैं. सी गाइज, दिस इज योर चिली, दिस इज योर पैराग्वे, ओके. दिस इज योर अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड दिस इज योर ब्राज़ील, ओके. दिस इज योर ब्राज़ील. सो चिली, देन अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील से पास होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन. देन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे क्या है, ये नामीबिया है, ओके. ये बोत्सवाना है, दिस इज योर साउथ अफ्रीका, दिस इज योर मोजाम्बिक, मोजाम्बिक है. एंड देन अनादर, दिस इज योर मैडागास्कर आइलैंड, दिस इज द आइलैंड नियर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मैडागास्कर, जहाँ से आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास होता है. और इधर अगर आप आओगे देन सी ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास होता है, राइट. ओके, नाउ सी, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन जो है वो पास होता है. ओनली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पासिस थ्रू इट. और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे से तीनों ही पास होता है गाइस, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन एंड इक्वेटर. दैट्स वाई मैपिंग का सेक्शन अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ओके. सो सी गाइज, अभी आज हमने देखा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर कौन से कंट्री से पास होते हैं. अगर आप ये जो मैंने लोकेट किया है ना, अगर आप माइंड मैप में रख लोगे कि हाँ यहाँ से ये कैंसर पासेस हो रहा है, यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है, यहाँ से कैप्रिकॉन पास हो रहा है, तो एग्जाम में क्या होगा ना, क्वेश्चन में आप फंसोगे नहीं. अगर क्वेश्चन में एक भी ऑप्शन आपको अगर पता है कि ये चीज़ यहाँ से पास नहीं होता है या ये चीज़ यहाँ से पास होता है, तो आपको क्या होता है, एलिमिनेशन टेक्निक से आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हो, राइट. इट बिकम्स ईजी फॉर यू गाइज टू एलिमिनेट द ऑप्शन, राइट. ओके, सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू. और हाँ, वन क्वेश्चन आप लोगों को, दो क्वेश्चन का आंसर देना आज प्लीज, दो क्वेश्चन का आंसर देना आज इन द कमेंट सेक्शन. वन क्वेश्चन के टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर कौन सा स्टेट से पास होता है हमारे इंडिया में, जो कि 8 स्टेट्स है. उस दिन मैंने मैपिंग के सेक्शंस पे इंडिया का मैप में कराया था. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ग्रीनविच मीन टाइम कौन से कंट्री से पास होता है. ओके, जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है जो है वो कौन से कंट्री से पास होता है, ठीक है. ये दो क्वेश्चन का आपको आंसर आज मुझे कमेंट सेक्शन में देना है. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज. अभी हम लोग मैपिंग का और भी सीरीज लाएंगे, कॉन्टिनेंट का मैं सेपरेटली फिर से लाऊंगी, जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ताकि आप लोगों को कॉन्टिनेंट्स का भी अलग से आइडिया हो जाए, ठीक है. सो ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल. थैंक यू वेरी मच.